श्रीमती मीनाक्षी लेखी सेम इशू योर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्षा जी अध्यक्ष जी आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरा विषय भी जो प्रहलाद जी बोल चुके हैं उसी से जुड़ा हुआ है और विषय ये है कि ये कुछ नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ प्रमोद रामचंद्रन विनीश विष्णु रमित अनिल कुमार राधा कृष्णन विमला संतोष निर्मल रविंद्रनाथ सुजीत बिजू राजेश ये नाम किसी को समझ आते हैं क्या लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगी पीलू पहलवान या अखलाक सबको सुनाई देता है कारण ये है कि ये 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई और इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है जो लोग लगातार इनटॉलरेंस पर भाषण देते हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं ये 14 नाम उन लोगों के हैं जहां पर 7 बच्चों के ऊपर अटैक किया गया अगर पिता घर में नहीं था तो बच्चे की बाजू काटी गई तलवार से 7 साल के बच्चे की मेरी आंखों के सामने वो चेहरे याद आते हैं विमला जिसको जलाकर मार दिया उसके 2 बच्चे अश्वति और अश्विन 2 बच्चे जिनके चेहरे सामने आते हैं राधा कृष्णन उन्हीं के जेठ लगते हैं उनके 2 बच्चे अरुण और ऐसे ही एक लड़की जिसको सेल मी द आंसर करके वो वहां की ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी स्टार बनी विस्मया के पिता संतोष की इतनी क्रूरता से हत्या हुई कि उसके अंदर विस्मया सेल मी द आंसर में जो MLA है मार्क्सिस्ट पार्टी के उन्होंने ये प्रश्न किया और उसके अंदर उस बच्चे से बात कर रहे हैं इतनी ब्रिलियंट वो लड़की है कहा जाता है कि विस्मया को किसी भाई ने चूटी क्यों मारी तो कहा कि भाई वो गुड़िया मुझे चाहिए थी तो मैंने उसको चूटी मारी और उसकी गुड़िया छीन ली तो माँ कहती है कि जिंदगी जो है लेने और देने पर ही व्यवस्थित है तो मैंने उसको चूटी दी और गुड़िया ली और इसी प्रकार से जो वहाँ की सरकार के लोग हैं उन्होंने उस लड़की को एक सेलिब्रिटी तो बनाया लेकिन उसके पिता को उससे ले लिया और उसके सामने क्रूर हत्या की राजेश नाम के व्यक्ति को अगर मैं यहाँ पर व्याख्यान करूँ तो आप हैरान होंगे 80 उसके शरीर पर 80 वुंड्स थे पहने हथियार के और उसका हाथ काट कर फेंक दिया गया था ये अभी 2 दिन पहले का नृशंस हत्याकांड है और उस हत्या को याद करते ही जयकृष्णन मास्टर चंद्रशेखरन ऐसी सब हत्याएं याद आती हैं जहां पर इतनी क्रूरता और तालिबानिक स्टाइल के साथ लोगों को मारा गया लगातार आइसिस में शामिल होने वाले लोग अधिकतर इसी राज्य से आते हैं आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये RSS और BJP का केवल मुद्दा नहीं है कन्नूर जैसी कुख्यात जगह पर 40 कांग्रेस के वर्करों को मारा गया है 7 मुस्लिम लीग के वर्कर्स को मारा गया है 3 SDPI के वर्कर्स को मारा गया है और जो रोहित विमला की हत्याकांड बनाना चाहते हैं जो कि एक आत्महत्या थी उन्हीं को मैं आज याद दिलाना चाहती हूं कि वहां पर सबसे अधिक 51 महिलाओं के ऊपर जो है अपराधी घटनाएं घटी जिसमें दलित महिलाएं शामिल थी और जो 14 हत्याओं की मैं बात कर रही हूं उन 14 में से 4 दलित हैं ये नहीं चाहते कि दूसरे कोई रामनाथ कोविंद पैदा हो क्योंकि इनके पॉलिट ब्यूरो में एक भी दलित नहीं है और लगातार जो गॉड जोन कंट्री है वो आज गॉड फॉरसेकन कंट्री बनी हुई है क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ ये किसी को खड़े नहीं होना देना चाहते ऐसे में अध्यक्ष जी 3-4 नाम मैं जरूर लेना चाहती हूं कि दामोदरन CPM इन्होंने अपने ही लोगों को मारा CPM के लोगों ने CPI के लोगों को मारा इन्होंने कांग्रेस के लोगों को मारा लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये समझ नहीं आती कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते और हम कम से कम आवाज तो उठाते बाकी लोग राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण चुप कैसे रहते अपनों को मरता हुआ देखते कैसे हैं और लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक मतभेद हो सकता है लेकिन राजनीतिक मतभेद लोगों को मारने के लिए नहीं हो सकता किसी को मारने की हत्या का अधिकार नहीं देता इस संसद के माध्यम से और मैं
की बात याद दिलाना चाहती हूँ जो कि संसद सदस्य रहे हैं। मुताबिक पिनराई विजयन ने जब वो जनरल सेक्रेटरी थे अपनी पार्टी के 2008 में ऐसा बयान दिया और कहा कि कन्नूर मॉडल जो है वो बहुत विध्वंसक है, बंगाल मॉडल फॉलो किया जाना चाहिए। एमएम मनी याद दिलाना चाहती हूँ जो इनको एक दो तीन मनी कहा जाता है क्योंकि तीन जयराजन जैसे लोग जो कि आज कन्नूर से हटकर बल्कि त्रिवेंद्रम चले गए और त्रिवेंद्रम के अंदर ये हत्याएं हो रही हैं। पाइनूर हो गया ना अध्यक्ष, अध्यक्ष जी एक लाइन अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी एक लाइन, अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी सुप्रीम कोर्ट फार्मर्स वी हैव आस्क्ड फॉर अ सम ऑफ रुपीज।